दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अफगानिस्तान सीरीज के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली की हुई वापसी तो डरे पाकिस्तानी दिग्गज। रोहित कोहली को बाहर करने की मांग कर दिया दिल दहला देने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 सीरीज खेली जाने वाली है जिसके लिए टीम का ऐलान हो गया है। इस दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम में वापसी हो गई है जिसको देखकर पाकिस्तान के दिग्गज डर गए हैं। इस बीच वसीम अकरम इंजमाम उल हक से लेकर शोएब अख्तर शाहिद अफरीदी ने रोहित शर्मा विराट कोहली को बाहर करने की मांग कर एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। तो आखिरकार पाकिस्तान के दिग्गजों ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी को देकर क्या बयान दिया, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन बेहतरीन खिलाड़ी है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज 11 जनवरी से 17 जनवरी तक खेली जाने वाली है जिसके लिए दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार है। इस दौरान दोनों टीमों का ऐलान हो चुका है। इस बीच भारतीय टीम के अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली की एंट्री 14 महीने के बाद T20 टीम में हो चुकी है जिसको देखकर पाकिस्तान के दिग्गज डर गए। इस बीच उन्होंने इसका विरोध करते हुए टीम से बाहर करने की मांग कर बड़ा बयान दिया जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी को देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूं क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों की एंट्री टीम के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद से एक भी मैच नहीं खेले हैं और ऐसे में इन दोनों को टीम में शामिल करना भारतीय टीम की बड़ी गलती साबित हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक ही भारतीय टीम के लिए ये दोनों खिलाड़ी सबसे अनुभवी और सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी टीम के हो सकते हैं, लेकिन अगर आप युवा खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं तो अपने सबसे अनुभवी खिलाड़ियों को टीम से बाहर करना ही पड़ेगा। और ऐसे में BCCI ने विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी कर भारत के युवा प्लेयर्स के लिए वर्ल्ड कप खेलने के सपने को तोड़ा है। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के अंदर विराट कोहली और रोहित शर्मा की एंट्री हो चुकी है। इन दोनों खिलाड़ियों ने करीब 14 महीने से कोई भी T20 मैच नहीं खेला और ऐसे में आप इनको अचानक से टीम में कैसे शामिल कर सकते हैं? आपको खिलाड़ियों के फॉर्म के बारे में ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपने अनुभवी खिलाड़ियों और नामचीन खिलाड़ियों को टीम में जगह देंगे तो युवा खिलाड़ियों का क्रिकेट खेलने का सपना मात्र एक सपना रह जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के पास इस समय सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बेशक मौजूद हो, लेकिन रोहित शर्मा विराट कोहली की एंट्री से एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि भारत के युवा प्लेयर्स को वर्ल्ड कप खेलने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जगह खत्म कर दी। तो वहीं शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के अंदर विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी को देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन दोनों खिलाड़ियों को टीम के अंदर जगह मिलनी चाहिए। दोनों खिलाड़ी लंबे समय से T20 नहीं खेले हैं और ऐसे में आपने किस तरीके से उनको टीम के अंदर शामिल कर लिया? अगर आप सीधे इनको T20 वर्ल्ड कप में शामिल करते तो मैं इस बारे में समझ सकता था क्योंकि IPL के बेस पर आप टीम सिलेक्शन करते हैं, लेकिन यहां पर अपने ब्रांडेड खिलाड़ियों को टीम में मौका दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम से बाहर कर दिया जाए अन्यथा इन दोनों के कारण भारतीय टीम के कुछ बेहतर युवा खिलाड़ियों को खेलने का मौका नहीं मिलेगा। तो वहीं इंजमाम उल हक ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के महान खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम में एंट्री होता देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दोनों खिलाड़ियों को भारतीय टीम के अंदर खेलने का मौका मिलना चाहिए। दोनों के पास अच्छी बल्लेबाजी करने की काबिलियत तो है, साथ में दोनों के पास बेहतरीन अनुभव भी मौजूद है और ऐसे में दोनों को टीम के अंदर मौका मिला तो युवा खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप खेलने का सपना टूट जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों के पास लंबे समय से खेलने का मौका था लेकिन पिछले कुछ समय से इन्होंने T20 नहीं खेला है और ऐसे में इनको अचानक से टीम में शामिल करने के फैसले को देखकर मैं काफी निराश हूं। एडम गिलक्रिस्ट ने बयान देते हुए कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय टीम के दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने प्रदर्शन के दम पर किसी भी परिस्थिति में मैच को भारत के पक्ष में डाल सकते हैं। दोनों के पास सबसे ज्यादा अनुभव है और ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों को T20 से बाहर रखने का फैसला हमेशा विरोध में करता आया हूं, लेकिन अब उनकी एंट्री टीम के अंदर हो चुकी है तो मैं काफी ज्यादा खुश हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों बल्लेबाजों के पास काफी ज्यादा अनुभव है और इस बार का T20 वर्ल्ड कप कठिन कंडीशन में होगा और ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों को टीम में अभी से शामिल किया गया, ये BCCI का सबसे बेहतरीन फैसला भी साबित हो सकता है। वहीं शेन वॉटसन ने बयान देते हुए कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज हैं। दोनों टीमों के पास में अच्छी बल्लेबाजी करने की काबिलियत है तो साथ ही में सबसे ज्यादा अनुभव भी इन दोनों खिलाड़ियों के पास मौजूद है और ऐसे में अगर इन दोनों खिलाड़ियों को अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में शामिल किया जाए तो ये भारत का सबसे सही फैसला है क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों को इस सीरीज में शामिल करने से T20 वर्ल्ड कप के रास्ते इन दोनों के लिए खुल चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दोनों बल्लेबाज आगे T20 क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो दोनों को मौका देना चाहिए क्योंकि दोनों भारतीय टीम के लिए हमेशा अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं और ऐसे में इन दोनों की वापसी से मैं काफी ज्यादा खुश हूं। तो वहीं एरन फिंच ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप से पहले T20 खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए इन्होंने T20 में खेलने की इच्छा जताई है जो कि बिल्कुल सही फैसला है क्योंकि वर्ल्ड कप को समाप्त हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है और अगला वर्ल्ड कप मात्र 6 महीने के अंदर होने वाला है। ऐसे में इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट को ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों बल्लेबाज वनडे
वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करते दिखाई दिए थे और ऐसे में अब T20 वर्ल्ड कप के अंदर अगर इन दोनों खिलाड़ियों को मौका मिलता है तो ये काफी बड़ी बात साबित होगी और इस BCCI के फैसले का मैं तो समर्थन करता हूँ। तो वही रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के महान खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों T20 खेलते हुए पिछले कुछ समय से नहीं दिखाई दिए हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए दोनों ने खेलने की इच्छा जताई तो BCCI ने उनको टीम में शामिल किया, जो कि बिल्कुल सही फैसला है क्योंकि अगर आपके मुख्य खिलाड़ी चाहते हैं कि वो आगे क्रिकेट खेले तो आप उनको टीम से बाहर नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों के पास इतना ज्यादा अनुभव है कि इन दोनों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। मेरा मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम में शामिल करने का फैसला BCCI का सबसे बेहतरीन और मुख्य फैसला साबित हो सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली को T20 टीम में शामिल करना सही है या गलत, कमेंट में जरूर बताओ। मोहम्मद नबी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। भारतीय टीम के अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली की एंट्री को देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूं। हालांकि दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम के मुख्य खिलाड़ी हैं और ऐसे में दोनों को टीम के अंदर शामिल करने से भारतीय टीम ने अपनी टीम को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया है। लेकिन भारतीय टीम अपने आप को कितना भी मजबूत कर ले, लेकिन भारतीय टीम को यहां पर जीतने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दोनों बल्लेबाजों के आने से हमारी टीम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अब हमारे खिलाफ भारतीय टीम को बचकर रहने की आवश्यकता है क्योंकि अगर हमारी टीम के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करने लगे तो भारत को T20 सीरीज में बुरी तरीके से हार का सामना करना ही पड़ेगा। तो वहीं राशिद खान ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत दर्ज कर चुकी है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी T20 सीरीज में जीत दर्ज कर पाई, लेकिन अब भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में जीतने को मौका नहीं मिलेगा क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। हालांकि भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब पहली बार दोनों का आमना सामना होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दोनों बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली के आ जाने से भारतीय टीम मजबूत दिख रही है, लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले भारतीय टीम हमारे खिलाफ इस बार T20 सीरीज में बुरी तरीके से हार का सामना करेगी। वहीं मुजीबुर रहमान ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में जीतने का मौका मिला था, लेकिन अब भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज जीतने में मौका नहीं मिलेगा क्योंकि अफगानिस्तान की टीम के पास अच्छे गेंदबाज हैं। हालांकि अफगानिस्तान की टीम और भारत की टीम देखने में काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों टीमों की कंडीशन एक जैसी है और ऐसे में भारतीय टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों की बेसक एंट्री हो जाए, लेकिन हमारी टीम के खिलाड़ी IPL खेलते हैं और ऐसे में हमारी टीम को भारत के खिलाफ जीत दर्ज करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो वहीं नवीन उल हक ने बयान देते हुए कहा कि भारत को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युवा टीम के साथ T20 सीरीज जीतने का मौका मिला था, लेकिन अब भारतीय टीम अपनी मजबूती के साथ अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए आ रही है और ऐसे में भारतीय टीम हमारे खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए बेशक मैदान पर उतर जाए, लेकिन भारतीय टीम को यहां पर जीतने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम का रिकॉर्ड इतना भी ज्यादा बेहतर नहीं है। हमारी टीम के खिलाड़ी IPL खेलते हैं और अफगानिस्तान की कंडीशन भी भारत के जैसी है, ऐसे में हमारे खिलाफ भारतीय टीम को जीतने का मौका नहीं मिलेगा।